हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता बैलन डोर अवार्ड। बता दें कि अर्जेंटीना के फॉरवर्ड लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डोर अवार्ड जीता है। 2022 में मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप जीता था, जिसमें उन्होंने 7 गोल दागे व 3 गोल असिस्ट किए थे और गोल्डन बॉल जीता था। मेसी ने इससे पहले 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2021 में बैलन डोर अवार्ड जीता था। बता दें कि बैलन डोर अवार्ड 2022 में करीम बेंजेमा ने जीता था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया समन। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल से मामले को लेकर पूछताछ की थी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अफगानिस्तान ने विश्व कप 2023 में दर्ज की तीसरी जीत, अंक तालिका में 5वें नंबर पर पहुंचा। अफगानिस्तान ने वनडे विश्व कप 2023 में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में श्रीलंका 49.3 ओवर में 241 रनों पर ऑल आउट हो गया था और अफगानिस्तान ने 45.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। बता दें कि वनडे विश्व कप 2023 में यह अफगानिस्तान की तीसरी जीत है और वह अंक तालिका में 5वें नंबर पर पहुँच गया है। विश्व कप 2023 के बीच इंजमाम उल हक ने पाकिस्तान के मुख्य चयनकर्ता के पद से दिया इस्तीफा। बता दें कि इंजमाम उल हक ने वनडे विश्व कप 2023 के बीच पाकिस्तान के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। इंजमाम ने उनके खिलाफ हितों के टकराव के आरोप लगाए जाने के बाद इस्तीफा दिया है। पाकिस्तान को विश्व कप 2023 में 6 मैचों में से 4 में शिकस्त मिली है और वह अंक तालिका में 6ठे नंबर पर है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस की चुनाव समिति की हुई बैठक, खड़गे बोले इस बार बदलेगी रीत। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवारों की सूची और अन्य विषयों को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। खड़गे ने कहा कि इस बार राजस्थान में बदलेगी रीत, जनता की राहत और खुशहाल होगी जीत। पटना में शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बैग बोतल लाने पर लगाई गई रोक। बता दें कि बिहार के पटना में 2 नवंबर को शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम में अभ्यर्थियों के बैग, खाने का सामान और पानी की बोतल आदि लाने पर रोक लगा दी गई है। कार्यक्रम में 25,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि एडवाइजरी में कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों से फोन बंद या फिर साइलेंट रखने को कहा गया है। केरल ब्लास्ट मामले में सरेंडर करने वाले डोमिनिक मार्टिन को UAPA के तहत किया गया गिरफ्तार। बता दें कि केरल में ईसाई धर्म के जेहोवा पंथ की सभा में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद सरेंडर करने वाले डोमिनिक मार्टिन को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। मार्टिन ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी करके धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। बता दें कि इस ब्लास्ट में 3 लोगों की जान गई थी और 45 लोग घायल हो गए हैं। राज्य के DGP के नेतृत्व में मामले की जाँच की जा रही है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।